लेटर तो जुड़ पे किया आपसे। अच्छा परीक्षा कैसे है सुमा सुमा? पहले दिन केमिस्ट्री है ना, मैथ दो तारीख फिजिक्स है ना, मंगलवार को लाइव आ रहा है कोई यूट्यूब पे, कम से कम बोल दो एक चीजों का एग्जाम दो। बंक कर क्या दे रहा है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? कौन कौन जुड़े हैं? मुकेश कुमार, कुणाल कुमार, आनंद पाठक, रिया कुमारी, प्रिंस शर्मा, रोशन श्रीवास्तव, उमेश यादव, गौतम उपाध्याय, अंकित राज। कैसा आप लोग का चल रहा है एग्जाम का प्रिपरेशन? कैसा चल रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज किया आप लोगों ने? हाँ, दिवाकर कुमार, किंग ऑफ हार्ट, विराट राज, किंग ऑफ हार्ट। हाँ, कैसा एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोगों का? मस्त है। ऑर्गेनिक को जरूर जो है रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है, आप उसको जो है याद कर लीजिएगा जो भी मैंने टाइप वाइज पढ़ाया है, और नेमिंग रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाया है उन सबको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फाइव, नोमिनक्लेचर, जो मैंने नोमिनक्लेचर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया है वही सब नोमिनक्लेचर आएगा। ठीक है, रही बात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, अच्छा क्या हो गया हैंड में? धोनी जी आपके हैंड में क्या हो गया? क्यों लिखने में दिक्कत होगी? बाइक वगैरह से एक्सीडेंट कर लिया क्या आपने? जेपी राज सर, 12 का न्यू बैच है। नहीं बाबू, ये 12 का न्यू बैच नहीं, 12 का न्यू बैच जो है वो ऐप पर चल रहा है। ये अभी जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए है। आनंद पाठक, शुक्रिया शुक्रिया। तो जो मैंने आप लोगों को बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, ठीक है, ऐसे एग्जाम से पहले जो है हम लोग उसको एक बार और जो है डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने अब याद करके जो है अपने आप को स्ट्रांग कर लिया होगा,
जहां तक आप याद कर लिए हैं, जहां तक रिवाइज कर लिए हैं, उतना को जो है याद रखने का प्रयास कीजिए। जहां तक आपने याद कर लिया है उसको याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और रही बात जैसे जो भी चीजें लास्ट टाइम में क्या पढ़ करके जाना है, ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों से लगातार अब जो है जुड़ा हुआ हूँ, और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो वो पूछिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ जेपी मौर्य, जेपी राज, हाँ 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 मैं जो है आपकी बातों को समझ रहा हूं। और चलिए, सबसे बड़ी जो है अभी बच्चों को की डिमांड थी कि सर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उप सह संयोजन यौगिक का नेमिंग हम लोग को नहीं करने आ रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उप सह संयोजन यौगिक का नाम हम लोग को नहीं लिखने आ रहा, ठीक है। ये बड़ी समस्या है आप लोगों की। देखिए, उप सह संयोजन यौगिक का नाम जो है वह उसमें रूल बहुत सारा कुछ नहीं है, ठीक है ना, बहुत भयानक रूल टाइप नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे सबसे पहला चीज कि लिगेंड का नेम जो मैंने आपको भेजा है, लिगेंड का नेम आपको याद रहना चाहिए कि किस लिगेंड का क्या नाम होता है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है लिगेंड के नेम का, लिगेंड के नाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। लिगेंड के नाम को जो है आप याद कर लिए होंगे, सब लोग याद कर लिए होंगे, माधव दुबे जी, गोलू कुमार, कृष्णा राज, शशि कुमार भी जुड़ चुके हैं और बाला जी भी आ चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है लिगेंड का नाम तो बिल्कुल याद कर लिए होंगे, लिगेंड का नाम जो है याद है। हाँ रोशनी कुमारी, क्रेजी फन। तो देखिए, लिगेंड का नाम याद करने का महत्व आपको जो है आईयूपीएसी नेम जो हम लोग लिखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसमें मिलता है, ठीक है। देखिए, आज हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाम लिखना आज हम बताएंगे और आप लोग को लिखने भी आएगा, ठीक है ना। आप लोग एकदम जो है बिल्कुल दिल थाम करके बैठे रहिए, दिल थाम करके बैठिए। नाम लिखने का जो है कॉन्सेप्ट आज हम आप लोग को बता ही दे रहे हैं, ठीक है ना। और आज जो बताएंगे वो आप लोग को एकदम एग्जाम तक याद रहेगा, ठीक है। विशेष जो है माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, और जो जो टिक मैं करवाऊंगा वह जो है आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। उसी से अगर एग्जाम में आना होगा तो उसी से पूछेगा, ठीक है। यह जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है ये एग्जाम के व्यू से 3 मार्क्स का है, तो फिक्स होता है, इसमें फिक्स होता है कि यही यही चीज आएंगे, ठीक है। जैसे वर्नर का उप सह संयोजन सिद्धांत आप लोगों ने याद कर लिया होगा, वर्नर का उप सह संयोजन सिद्धांत आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है सब लोगों को जो है वर्नर का उप सह संयोजन सिद्धांत याद होगा, ठीक है। उसके बाद यह स्क्रीन पर आपको जो है नजर आ रही होगी, स्क्रीन पर आप सभी लोग को नजर आ रही होगी उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्रीन पर ये जो है आप लोग को नजर आ रही है उप सह संयोजन संख्या।